जब आप विपक्ष में होते हैं तो पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। आप साइकिल पर सवारी करते हैं और बैलगाड़ियों पर यात्राएं निकालते हैं। आप पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो पेट्रोल डीजल के इन्हीं बढ़े हुए दामों को लेकर आपका रवैया एकदम से बदल जाता है। सत्ता में आते ही आपका चाल चरित्र और चेहरा क्यों बदल जाता है अचानक? आप पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर जनता के प्रति उसी तरह की हमदर्दी क्यों नहीं दिखा पाते हैं? आखिर राज्य सरकारें जिस तरह का टैक्स पेट्रोल और डीजल पर वसूल रही हैं, 100% तक टैक्स लग रहा है, उसको लेकर किसी भी तरह का अंकुश राज्य सरकारों की तानाशाही पर क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? एक ऐसे समय में जब पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर जनता त्राही त्राही कर रही हो और समूचा विपक्ष नदारद हो, तो क्या जनता को खुद विपक्ष बनकर इसके विरोध में नहीं उतर जाना चाहिए? आखिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ले आया जाना चाहिए? आखिर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर इतना शोर होने के बावजूद भी सरकार के कानों पर जू क्यों नहीं रेंग रही है? क्या हमें नहीं लगता कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर हमारा विरोध और मुखर होना चाहिए? जरा सोचिए।